चले बच्चों, अब पोटेंशियल की ओर बढ़ते हैं और ये इस टॉपिक का एक मेन पार्ट है पोटेंशियल। देखो, तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं कि जब हम किसी भी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चलाते हैं ना, तो इस पॉइंट चार्ज को चलाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ता है। अब इस वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू वो चार्ज जिसको हम चला रहे हैं इनटू में आता है वी बी माइनस वी है। ये फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल है, ये इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल है। तो बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब भी पॉइंट चार्ज को चलाने के लिए वर्क डन फाइंड आउट करना तो इसी फॉर्मूले से इनिशिएट करें। जिस चार्ज के लिए वर्क डन फाइंड आउट करना उसका वैल्यू रखें इनटू में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और ध्यान रखना वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, तो जो भी वैल्यूज आपको पुट करना विद प्रॉपर साइन पुट करना। अब यदि क्वेश्चन में आपको वर्क डन बाय फील्ड फाइंड आउट करना हो तो वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू होता नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करें और वर्क डन बाय फील्ड के लिए क्वेश्चन है तो इसमें आगे माइनस साइन भी आपको लगाना है। अब बच्चों, यदि हम क्लोज लूप की बात करें तो क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होगा ना, क्योंकि क्लोज लूप में ये दोनों सेम हो जाएंगे ना, तो क्लोज लूप में तो वर्क डन का वैल्यू जीरो होता है। बच्चों, एक बात और है कि जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। जब भी वर्क डन फाइंड आउट करना हो पाथ को चेक करने की जरूरत नहीं, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आपको देखना। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट, इस सरफेस का 0 है, इसका -5 वोल्ट, इसका -10 वोल्ट। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक -1 माइक्रो कूलम चार्ज है, वो इस वाले पाथ के एलोंग यहां से यहां तक आ रहा है। तो इस पूरे जर्नी में इसकी जो ट्रेवलिंग हो रही है ना यहां से यहां तक, इसके लिए हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइंड आउट करना। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो चार्ज यानी कि जिसको हम डिस्प्लेस करें, तो जब इसको डिस्प्लेस करें तो इसका वैल्यू -1 × 10⁻⁶, क्योंकि चार्ज इसमें नेगेटिव है, इनटू में आएगा वी फाइनल। अब ये फाइनल बनेगा, यहां से स्टार्ट हुआ था ये फाइनल पॉइंट, तो ये फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल लग दिया, माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। बच्चों, इसमें कितना 10 है तो माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस, तो 15 माइक्रो सोल। चलिए बच्चों, पोटेंशियल में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हम ले रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है केके अपॉन आर। तो पॉइंट चार्ज का आर डिस्टेंस का पोटेंशियल बच्चों केके अपॉन आर से फाइंड आउट करना। अब एक बात का ध्यान रखना कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यानी पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पोटेंशियल का जो साइन है वो इस चार्ज से डिसाइड होगा। यदि चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल बच्चों नेगेटिव होगा यहाँ पर। तो जब भी आप पोटेंशियल फाइंड आउट करें किसी भी चार्ज का, तो चार्ज में जो माइनस साइन होगा उसको आपको कंसीडर करना। देखो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के क्वेश्चन की बात करते हैं तो वहां पर कैलकुलेशन में हम चार्ज के माइनस साइन को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि वो वेक्टर है, वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। बट स्केलर क्वांटिटी के केस में आपको चार्ज का माइनस साइन कंसिडर करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अभी तो केवल एक ही चार्ज का पोटेंशियल है। अभी जिस सिस्टम है एक से ज्यादा चार्ज हुए तो उन सभी चार्जेस का किसी भी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना। तो जितने भी चार्ज इनका पोटेंशियल फाइंड आउट करें, हर एक चार्ज का इंडिविजुअल पोटेंशियल आएगा पहले, उसके बाद उनका उन्हें इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम करके टोटल पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कैसे मिलेगा, इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस उसके कारण प्लस डॉट 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 सबके कारण। अब जब भी आप पोटेंशियल फाइंड आउट करें सिस्टम में जितने भी चार्ज होंगे ना, हर एक चार्ज का इंडिविजुअल पोटेंशियल उस पॉइंट के लिए कितना है ये आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद उन सभी पोटेंशियल का सम करके उस पॉइंट का आप नेट पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। तो चलिए इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस सिस्टम में टू चार्ज है क्यू और माइनस क्यू। टू पॉइंट यहां पर गिवन है एक्स और वाई, ये तीनों डिस्टेंस है हमें। बच्चे, इसमें हमें वी एक्स माइनस वी वाई फाइंड आउट करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे कि x और y पर पहले पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर जब हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ना, तो इसके कारण प्लस इसके कारण, गलती क्या होती है इस क्वेश्चन में, जब जब बात होती है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करें, केवल इस वाले चार्ज का पोटेंशियल ही फाइंड करके बोल दिया, इसको तो देखा है नहीं। जबकि
पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन सभी चार्जेस का होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसके कारण बच्चों आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन है, इसके कारण माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसका पोटेंशियल यहाँ पर होगा माइनस के क्यू अपॉन, डिस्टेंस कितना टू है, तो पॉइंट है इसका पोटेंशियल मिल गया बच्चों के क्यू अपॉन टू है। नाउ ऐसे कैसे जब हम पॉइंट वाई पर पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, इसके कारण के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना लेंगे टू है, इसके कारण माइनस के क्यू अपॉन है, तो माइनस के क्यू अपॉन टू आ जाएगा। इसके बाद में जब वी एक्स माइनस वी वाई फाइंड आउट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बच्चों आएगा के क्यू अपॉन ए। चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें थ्री चार्ज एक स्ट्रेट लाइन पर है, ये क्यू, ये क्यू, ये माइनस क्यू, ये ए है, ये डिस्टेंस ए है। अब क्वेश्चन ये है कि जो क्यू चार्ज है ना, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस सेमी सर्कल के एलोंग मूव कर रहा है, और इस सेमी सर्कल का जो सेंटर है वो यहां पर है। तो जब ये चार्ज यहां से यहां तक आएगा ना, इस वाले पार्ट के लो, तो इस प्रोसेस में हमें वर्क डन बाय फील्ड फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन बाय फील्ड फाइंड आउट करना, सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो बात को समझो, चाहे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइंड आउट करना या वर्क डन बाय फील्ड, सबसे पहले आपको फॉर्मूला अप्लाई करना। फॉर्मूला अप्लाई करें उसके बाद क्या करना है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो वर्क डन बाय फील्ड का हमने यहां पर फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चों। अब वर्क डन बाय फील्ड के फॉर्मूले में मैंने बोला था कि आगे आपको माइनस साइन लेना इनटू में वो चार्ज जिसको हम चला रहे, इनटू में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब आगे क्या करना है ये समझ में आ चुका है कि वर्क डन के लिए हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऐसे भी तक जब चार्ज जा रहा है तो बच्चों ये होगा इनिशियल पॉइंट, बच्चों ये होगा फाइनल पॉइंट, तो यहां पर पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। अब एक बात का ध्यान रखना है, देखो वर्क डन के फॉर्मूले में ये जो पोटेंशियल होते हैं ना, वो इस वाले चार्ज के नहीं होते, ये अदर चार्जेस के पोटेंशियल होते, ध्यान रखना, गलती नहीं करना है। ये जो पोटेंशियल होते हैं वो इसके नहीं होते, यानी जिस चार्ज को हम चला रहे हैं ना, तो ये पोटेंशियल उस मूविंग चार्ज के नहीं होते, ये सिस्टम में जो अदर चार्ज होंगे उनके पोटेंशियल होंगे। तो जब बच्चों हम यहां पर पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ना इनिशियल पॉइंट पर, तो पोटेंशियल के कैलकुलेशन में इस वाले चार्ज का कोई रोल नहीं होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि इसको तो हम चला रहे, इसके लिए तो वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल के कैलकुलेशन में बच्चों इस वाले चार्ज का कोई रोल, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर नहीं होगा। तो जब यहां पर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ना, तो इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण के क्यू अपॉन है, इसके कारण माइनस के क्यू अपॉन है, तो दोनों का नेट पोटेंशियल बच्चों यहां पर कितना आ जाएगा, जीरो। चले पॉइंट बी पर पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, ये फाइनल पॉइंट है, यहां पर पोटेंशियल इसके कारण लिखेंगे के क्यू अपॉन डिस्टेंस ए प्लस है, और ये भी है क्योंकि ये सेंटर है ना, तो ये वाला भी है, तो टोटली डिस्टेंस थ्री हो जाएगा। अब इसका तो लेना ही नहीं क्योंकि ये तो मूविंग चार्ज है, पोटेंशियल में कॉन्ट्रीब्यूशन इस वाले चार्ज का नहीं होगा, ध्यान रखना। वर्क डन के लिए जब पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे ना, तो पोटेंशियल के कैलकुलेशन में एक चार्ज को ड्रॉप कर देना जिसके लिए वर्क डन फाइंड आउट करना है ना, उसके कारण आपको पोटेंशियल माइनस के क्यू अपॉन में डिस्टेंस आ जाएगा ए, तो ये कोवल्ट हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री के क्यू अपॉन है। इसके बाद जब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, ये वो चार्ज होता है जिसके लिए वर्क डन फाइंड आउट करना, इसके लिए वर्क डन फाइंड आउट करना, तो इस वाले चार्ज का वैल्यू रख दिया। फाइनल पॉइंट कहते हैं इसका पोटेंशियल हमने रख दिया, इनिशियल पॉइंट का जीरो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा टू के क्यू स्क्वायर अपॉन थ्री ए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका साइड ए गिवन है, हमें इसके सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना। सिंपल क्वेश्चन है, पोटेंशियल में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की ओर जाना है नहीं। तो यहां पर जब पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो इसके कारण भी लिखेंगे प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण, इसके कारण पोटेंशियल के क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना, ए बाई रूट थ्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इसके कारण माइनस के क्यू अपॉन ए बाई रूट थ्री, इसके कारण के क्यू अपॉन ए बाई रूट थ्री, ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा रूट थ्री के क्यू अपॉन है। अब बच्चों आप चाहें तो ये वाले कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी इस आंसर को यहां पर ला सकते हो। देखो ये रेगुलर पॉलीगोन है और रेगुलर पॉलीगोन के सेंटर पर पोटेंशियल का वैल्यू डायरेक्ट आ जाता है। कैसे, जब हम सेंटर पर पोटेंशियल का वैल्यू लिखेंगे इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण, तो जब इन सभी चार्ज के पोटेंशियल का सम करेंगे ना,
तो उस समेशन में नीचे डिस्टेंस को कॉमन आ जाए, समेशन में डिस्टेंस कॉमन, के भी कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, तो ऊपर जो आएगा ना वो चार्ज का समी तो होगा ना। तो हम एक फॉर्मूला सेंटर पर पोटेंशियल का बना सकते हैं, वी सेंटर इज इक्वल टू के अपॉन आर, इसमें कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस है, और इनटू में यहां पर आ जाएगा सम ऑफ ऑल चार्जेस एट वर्टेक्स। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में उसके सेंटर पर पोटेंशियल का वैल्यू डायरेक्ट हम इसे फाइंड कर सकते हैं, वर्टेक्स पर जितने भी चार्ज उनका सम कर देना, उसके बाद तो के क्यू अपॉन आर से पोटेंशियल मिल जाएगा, जो क्यू होगा ना वो टोटल चार्ज होगा वर्टेक्स का, और नीचे जो आर लेना वो कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस। अब बच्चों इसी से हम ये भी चेक कर सकते हैं डायरेक्ट कि रेगुलर पॉलीगोन के सेंटर पर नेट पोटेंशियल जीरो है कि नॉन जीरो। यदि इन सभी चार्जेस का सम जीरो हो जाए, वर्टेक्स वाले चार्जेस का सम यदि जीरो है, तो सेंटर पर नेट पोटेंशियल भी बच्चों जीरो ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम जीरो पोटेंशियल पॉइंट से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे अभी तक एग्जाम में जीरो पोटेंशियल पॉइंट का क्वेश्चन नहीं आया, बट आ सकता, इंपॉर्टेंट है। देखो जीरो पोटेंशियल पॉइंट का मीनिंग होता है कि जिस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल जीरो हो जाए उसी को हम जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहते हैं। अब बच्चों जीरो पोटेंशियल पॉइंट अनलाइक चार्ज के केस में हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है और दो पोटेंशियल का सम जीरो तभी होगा जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। यदि चार्ज लाइट होंगे तो कभी भी जीरो पोटेंशियल पॉइंट नहीं मिलने वाला। तो क्वेश्चन में आपको अनलाइक चार्ज देगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो क्वेश्चन में बात होगी कि जीरो पोटेंशियल पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करें। बच्चों मैं एक बार बता रहा हूं कि जो स्मॉलर चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है, तो उस स्मॉलर मैग्नीट्यूड के चार्ज के दोनों साइड में जीरो पोटेंशियल पॉइंट प्रेजेंट होता है। ये बात आपको याद करना है कि दो चार्ज है उन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, तो उस लाइन पर तो जीरो पोटेंशियल पॉइंट मिलते हैं, वो दोनों के दोनों जीरो पोटेंशियल पॉइंट स्मॉलर चार्ज के दोनों साइड में हो, तो जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा उसी के दोनों साइड में जीरो पोटेंशियल पॉइंट होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखे यहाँ पर टू चार्ज है क्यू और माइनस टू, क्यू इन दोनों के बीच में सेपरेशन आ रहा है, तो बच्चों हमें इसमें जीरो पोटेंशियल पॉइंट का डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना और यहां से फाइंड आउट करना। तो आपको करना क्या है कि जो स्मॉलर चार्ज है, स्मॉलर का मीनिंग मैग्नीट्यूड से है, तो जो जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके दोनों साइड में दो पॉइंट पहले आपको मार्क करना। जैसे इसका मैग्नीट्यूड बच्चों कम है, इसके दोनों साइड में दो जीरो पोटेंशियल पॉइंट मैंने मार्क किए, इन दोनों जीरो पोटेंशियल पॉइंट का डिस्टेंस यहां से एक्स और वाई मान लिया, तो बच्चों हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल को जीरो करके तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम पॉइंट के पर पोटेंशियल को लिखेंगे, इसके कारण के क्यू अपॉन एक्स प्लस इसके कारण बटे चार नेगेटिव है, तो माइनस टू के क्यू अपॉन और ये डिस्टेंस आर माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि आर का ही एक्स था, तो इसके कारण आपको पोटेंशियल में डिस्टेंस आर माइनस एक्स ये इज इक्वल टू जीरो। बच्चों सोल्व करने के बाद एक्स का वैल्यू मिल गया हमें आर बाई थ्री। ऐसे कैसे बच्चों हम इसमें इसे सेकेंड जीरो पोटेंशियल पॉइंट का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते। इसके लिए पॉइंट वाई पर पोटेंशियल का सम जीरो कर देना, इसके कारण पोटेंशियल को लेकर के क्यू अपॉन वाई प्लस इसके कारण माइनस टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस ये वाला जाएगा ना आर प्लस वाई ये इक्वल टू जीरो, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि जीरो पोटेंशियल पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो करना क्या आपको कि जो स्मॉलर चार्जेस के दोनों साइड में उन दोनों जीरो पोटेंशियल पॉइंट को पहले मार्क करें, वन बाय वन उन पॉइंट का डिस्टेंस एज्यूम करके और उन पॉइंट पर पोटेंशियल को जीरो करके उन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चले बच्चों इसके बाद हम मेटल स्फीयर में पोटेंशियल के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल स्फीयर में पोटेंशियल के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं। मैं कुछ कॉन्सेप्ट पहले पोटेंशियल का बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये एक मेटल स्फीयर है, मेटल में हम जानते हैं कि चार्ज ऑलवेज सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे वो होलो हो चाहे वो सॉलिड हो। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मेटल में चाहे पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी भी आपको चेक नहीं करना कि वो सॉलिड है कि होलो, क्योंकि सॉलिड और होलो मेटल में सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ एक जैसा ही मिलता है। तो ये एक मेटल स्फीयर है, इसके सरफेस पर चार्ज किसका रेडियस आर है। तो देखिए बच्चों एक मेटल स्फीयर के बाहर इलेक्ट
पोटेंशियल का वैल्यू था केक्यू अपॉन स्मॉल आर, क्यू तो इसमें मेटल स्फीयर का चार्ज होता है स्मॉल आर, सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता। अब बच्चों ये तो आपको पता होगा कि मेटल में सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल का वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है, पोटेंशियल चेंज ही नहीं होता। यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल सेम होगा, तो चाहे सरफेस पर लेके या इनसाइड द सरफेस लिखे, पोटेंशियल का वैल्यू केक्यू अपॉन रेडियस के इक्वल होगा। तो बच्चों जब भी मेटल स्फीयर में पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना, एक पॉइंट पर सबसे पहले पॉइंट की पोजीशन को चेक करना कि वो बाहर है कि अंदर है, क्योंकि उसी के अनुसार आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। बाहर है तो केक्यू अपॉन स्मॉल आर डिस्टेंस सेंटर से है, यदि सरफेस पर है या इनसाइड द सरफेस है, सरफेस के अंदर है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा केक्यू अपॉन रेडियस। तो चलिए अब हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों यह एक मेटल शेल है, इसके सरफेस पर चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, हमने एक स्मॉल क्यू चार्ज इसके सेंटर पर रख दिया है। बच्चों यहाँ पर इसके अंदर एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस हमें स्मॉल आर दिया, हमें इसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना। अब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन इसका भी होगा, इसके भी होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं फिर बोल रहा हूं कि पोटेंशियल में कॉन्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हर एक चार्ज का होता है। तो जब यहाँ पर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके कारण प्लस इसके कारण। चलो लिखते हैं, पहले हम इसके कारण, इस मेटल स्फीयर के कारण यहाँ पर पोटेंशियल को लिखने जा रहे हैं। अब इसके लिए तो बच्चों ये पॉइंट कहाँ पर है, अंदर है, और जब पॉइंट अंदर है तो अंदर तो पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू अपॉन रेडियस के इक्वल होता है ना, तो के क्यू अपॉन कैपिटल प्लस, अब हम इस स्मॉल क्यू के कारण यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू लिखेंगे। अब ये तो पॉइंट चार्ज देना, और पॉइंट चार्ज का आर डिस्टेंस पर बच्चों पोटेंशियल क्या होता, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है आर। सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक मेटल स्फीयर है, इसमें चार्ज है इसके सरफेस पर, बट तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम क्यू मानकर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बच्चों एक पॉइंट तो सरफेस पर, एक पॉइंट सेंटर से टूआर डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन ये है कि इफ वी ए माइनस वी बी, ए तथा बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एज वी हो, तो हमें सेंटर से थ्री आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब सेंटर से थ्री आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा ना वो बाहर आ जाए, और एक मेटल स्क्वायर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होगा आपको, केक्यू अपॉन आर स्क्वायर का जो आर हम लेते हैं वो सेंटर से डिस्टेंस, थ्री आर दिया था स्क्वायर कर दिया तो केक्यू अपॉन नाइन आर स्क्वायर। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस वी के टर्म्स में फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें चार्ज कहाँ दिया था, तो हमें क्यू को हटाना पड़ेगा। कैसे, देखो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया था, उसको मैं लिखूंगा वी ए माइनस वी बी लिखूंगा, तो वी ए माइनस वी बी यानी कि ए पर पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पर हो जाएगा केक्यू अपॉन आर, क्योंकि पॉइंट सरफेस पर है। पॉइंट बी पर पोटेंशियल इसके कारण लिखूंगा, पॉइंट बाहर आ गया ना तो बाहर आते नीचे डिस्टेंस टू आर लूंगा, तो ये हो जाएगा केक्यू अपॉन टू आर। अब एक केक्यू अपॉन टू आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस वी के इक्वल था, तो वी इज इक्वल टू केक्यू अपॉन टू आर मिल गया, तो यहाँ से केक्यू का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा, वी इंटू टू आर, यहाँ पर जब वी इंटू टू आर ये वाला आर कट ही जाएगा तो आंसर आ जाएगा टू वी अपॉन नाइन आर। चले बच्चों इसके बाद अब हम कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल में पोटेंशियल के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसको आपने समझ लिया होगा अच्छी तरह से, तो कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल में पोटेंशियल के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, यहां पर कुछ कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल आपको दिया जा रहा है, कुछ कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल है, इनका रेडियस मान लेते हैं ए बी सी, इनमें चार्ज को जैसे क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री मान लिया, और जैसे मैंने बोला कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करें, तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट तो याद है ना, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके कारण
प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण, क्योंकि पोटेंशियल में कॉन्ट्रीब्यूशन सभी चार्ज इसका होगा बच्चों। तो आपको करना क्या है कि हर एक मेटल शेल का इंडिविजुअल पोटेंशियल उस पॉइंट के लिए कितना, उसको पहले चेक करें, उन सभी इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम करके आप उस पॉइंट का नेट पोटेंशियल फाइंड कर सकते। तो जैसे यहां पर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, सबसे पहले इसके कारण लिखूंगा, लिखूंगा ना। और जब किसी भी मेटल शेल का या मेटल स्फीयर का पोटेंशियल हम लिखते हैं ना एक पॉइंट के लिए, तो पॉइंट की पोजिशन को चेक करते हैं। अब इसके लिए तो ये पॉइंट बोल बच्चों कहां पर आ गया, बाहर आ गया ना बाहर, तो इसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू वन अपॉन, और डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा बी के इक्वल। इसके लिए तो पॉइंट बच्चों सरफेस पर है, तो के क्यू टू अपॉन बी हो जाएगा। इसके लिए बच्चों पॉइंट अंदर आ गया, और अंदर आते पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा के क्यू अपॉन एटीस, यानी कि के क्यू थ्री अपॉन सी। तो जब भी कॉन्सेंट्रिक मेटल सेल में आपको एक पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना, जितने भी मेटल सेल है हर एक सेल का इंडिविजुअल पोटेंशियल उस पॉइंट के लिए कितना है, पहले उसको आपको लिखना, उनके बाद उसके बाद सम करके टोटल पोटेंशियल उस पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं इस वैरायटी का, इस क्वेश्चन में बच्चों टू कॉन्सेंट्रिक मेटल सेल हमने लिया है, इनका रेडियस यहां पर ए और बी है। इनर शेल में चार्ज बच्चों Q1 है, आउटर शेल में चार्ज बच्चों यहाँ पर Q2 है। इसके सरफेस पर एक पॉइंट A है, इसके सरफेस पर पॉइंट D है बच्चों। इसमें हमें VA माइनस VB फाइंड आउट करना, यानी कि दोनों के सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही बच्चों फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम A और B पर पोटेंशियल को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना, अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल है तो इसके कारण लिखूंगा। अब इसके लिए तो ये पॉइंट सरफेस पर है ना, तो पोटेंशियल हो जाएगा इसका के क्यू वन अपॉन, और रेडियस इसका कितना का है ना, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू हम लिखेंगे ना। अब ये जो पॉइंट इसके लिए तो अंदर आ गया, और अंदर आते पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन रेडियस होता, तो के क्यू टू अपॉन में भी आ जाएगा। ऐसे कैसे जब हम पॉइंट बी पर यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू लिखेंगे, तो इसके कारण लिखूंगा पहले। अब इसके लिए तो ये पॉइंट बच्चों कहाँ पर आ गया, ये चेक करना है। जैसे शेल का पोटेंशियल लिखने जा रहे हो, तो उस शेल के लिए पॉइंट की पोजीशन को चेक करें कि वो अंदर है कि बाहर, उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करें। अब इसके लिए तो पॉइंट बच्चों बाहर है ना, और बाहर आते इसका जो पोटेंशियल होगा उसमें नीचे डिस्टेंस सेंटर से ये वाला आ जाएगा बी आ जाएगा प्लस। Now, इसके लिए तो ये पॉइंट सरफेस पर है ना, तो इसके कारण पोटेंशियल के क्यू टू अपॉन वी होगा ना। तो जब हम वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट करेंगे ना, तो डिफरेंस में ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, इन दोनों में के क्यू वन हमने कॉमन लिया, और इंटू में आ जाएगा वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी। अब बच्चों देखो एक बात है इसमें कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया इन दोनों के सरफेस के बीच में, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस में यहां पर ये जो चार्ज आया, ये तो इनर शेल का चार्ज है ना, अंदर वाली शेल का चार्ज है, बाहर वाली शेल का चार्ज तो इसमें आया नहीं। तो एक बात इसमें क्लियर हो चुका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो केवल अंदर वाली शेल के चार्ज पर डिपेंड करेगा, वो बाहर वाली शेल के चार्ज पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है, जैसे भी मान लो कि दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी, अब बोलेगा कि यदि बाहर वाली शेल के चार्ज को डबल कर दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस का न्यू वैल्यू कितना होगा, सोचो वी तो रहेगा ना, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बाहर वाली शेल के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। जब तक हम अंदर वाली शेल का चार्ज चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बच्चों चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक मेटल शेल तो ये है, एक मेटल शेल ये है, इसका रेडियस आर वन है बच्चों, इसका रेडियस यहाँ पर आर टू है बच्चों। इसमें गिवन है कि पोटेंशियल ऑफ इनर शेल इज वी, जो अंदर वाली शेल इसका पोटेंशियल बच्चों वी है। इसमें जो आउटर शेल है ना ये न्यूट्रल है बच्चों, इसको हमने कोई चार्ज नहीं दिया, केवल हमने चार्ज इसको ही दिया है, लेकिन कितना दिया ये क्वेश्चन वाले ने हमें नहीं दिया है। तो आउटर बाहर वाली शेल इसमें न्यूट्रल है और इसमें चार्ज है, इसका पोटेंशियल हमें दिया है भी। इसके बाद बच्चों ये है
कि यदि हम अंदर वाली शेल को बाहर वाली शेल से भी कनेक्ट करें, इनर इज कनेक्टेड टू आउटर, तो हमें फाइंड आउट करना है इनर शेल का पोटेंशियल, इसमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि इसको इससे कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद हमें इसका पोटेंशियल, अंदर वाली शेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जब हम अंदर वाले कंडक्टर को बाहर वाले कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं ना, तो अंदर वाले कंडक्टर का जो पूरा का पूरा चार्ज है वो बाहर वाले कंडक्टर को ट्रांसफर हो जाता है, ये बात तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि अंदर वाले कंडक्टर में चार्ज यहाँ पर क्यू है, समय ने मान लिया। तो जब हम इसको अंदर वाले को बाहर वाले से जब कनेक्ट करेंगे तो ये जो चार्ज है ना, अंदर वाले का पूरा चार्ज इससे बाहर वाले को ट्रांसफर होगा। तो बाहर वाले कंडक्टर में जो चार्ज है बच्चों कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब हमें इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना। अब कुछ बच्चों के तो माइंड में आता है कि जब इसका पूरा चार्ज इसको ट्रांसफर हो गया, इसमें चार्ज नहीं रहा, तो उनके माइंड में आता है इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका चार्ज जीरो हो गया। तो उनको उनको लगता है कि इस अंदर वाले शेल का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और एक गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका पोटेंशियल लिखेंगे ना, तो बच्चों हम जानते हैं कि पोटेंशियल में रोल इसका भी तो होगा ना। किसी भी पॉइंट पर जब हम पोटेंशियल लिखते हैं तो जितने भी चार्ज होते हैं उन सभी का पोटेंशियल उस पॉइंट के लिए लिखा जाता है। तो गलती नहीं करना, इसमें चार्ज जीरो होने का मतलब ये नहीं कि इसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। तो जब हम इसका पोटेंशियल लिखेंगे ना, वीडेस मान लेता हूं, अब इसके कारण तो पोटेंशियल यहाँ पर जीरो क्योंकि इसमें चार्ज जीरो, लेकिन इसमें तो चार्ज आ गया ना, तो इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा ना। अब ये जो पॉइंट है ये इसके लिए अंदर आ गया, और जैसे अंदर आएगा पॉइंट तो पोटेंशियल में नीचे हम रेडियस लेते हैं ना, तो इसके कारण जो पोटेंशियल यहाँ पर लिखेंगे ना इसके सरफेस पर, तो के क्यू अपॉन रेडियस कितना, आर वन। अब बच्चों इसमें हमें क्यू को हटाना क्योंकि क्यू नहीं दिया, ये तो हमने एज्यूम किया था। अब क्यू क्या था, इसमें पहले अंदर वाले का चार्ज था ना क्यू, कनेक्ट करने के बाद बाहर वाले को ट्रांसफर हो गया। अब इनिशियल इसका पोटेंशियल में भी दिया था ना, जब इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया उस टाइम इसका पोटेंशियल बच्चों यहाँ पर भी था। तो जब हम इसका पोटेंशियल लिखेंगे ना, तो वी इज इक्वल टू इसके कारण लिखा, यहाँ पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन रेडियस आर टू, इसका तो जीरो, इसके कारण तो जीरो होगा क्योंकि पहले यहाँ पर चार्ज जीरो था। तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर टू, तो के क्यू का वैल्यू वी आर टू आ जाएगा। नाउ जब इसमें हम के क्यू का वैल्यू रखेंगे ना वी आर टू, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें वी आर टू अपॉन आर वन। बच्चों एक क्वेश्चन, इसमें हम अर्थिंग वाला भी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें दो मेटालिक सेल है, बाहर वाली मेटल सेल में चार्ज क्यू है, अंदर वाली को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। देखो तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि जब हम किसी भी बॉडी को या किसी भी कंडक्टर को जब अर्थ से कनेक्ट करते हैं ना, तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, उसका नेट पोटेंशियल जीरो होता है, लेकिन चार्ज जीरो नहीं होता। कुछ बच्चों को लगता है कि चार्ज भी जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल जीरो होता है, चार्ज कुछ भी हो सकता है, इवन मतलब जीरो भी आ सकता है, बट डायरेक्ट ये नहीं बोला जा सकता है कि इसमें चार्ज जीरो है कि नहीं। तो जब भी किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट किया जाए, अर्थ से बोला जाए कि उस कंडक्टर का चार्ज फाइंड आउट करें, करना क्या है कि उस कंडक्टर का नेट पोटेंशियल जीरो कर देना, और जीरो करके उसके चार्ज को फाइंड आउट करना, ये अप्रोच रहेगा। जब भी कोई भी बॉडी अर्थ से कनेक्टेड हो उसके चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, उसमें चार्ज को पहले कुछ क्यूडेस माने, उसके बाद जो अर्थेड बॉडी उसके नेट पोटेंशियल को लिखें और उसको जीरो के इक्वल करके और क्यूडेस का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर भी बच्चों हमें करने जा रहे हैं, हमें इसका चार्ज फाइंड आउट करना है अर्थेड कंडक्टर का। तो मैं मान लेता हूँ कि इसमें चार्ज यहाँ पर क्यूडेस है, अब हम क्या करेंगे, इसका नेट पोटेंशियल जीरो तो करेंगे क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है, और अर्थ से कनेक्टेड बॉडी का नेट पोटेंशियल बच्चों जीरो होता है। तो इसका पोटेंशियल जब हम लिखेंगे इसके कारण के क्यू डे अपने हो जाएगा ना, प्लस इसके कारण इसके लिए तो पॉइंट अंदर आ जाए ना बच्चों, अंदर आने के कारण जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस के बराबर, इसके कारण आपका पोटेंशियल के क्यू अपॉन रेडियस आ जाएगा। अभी ये जीरो कर दिया तो अंदर वाले कंडक्टर का हमें चार्ज मिलेगा क्यू डे माइनस ए अपॉन बी इंटू क्यू। बच्चों एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ये पोटेंशियल का क्वेश्चन ही, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्वेश्चन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट आपको आता होगा, किसी भी सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो बच्चों क्वेश्चन ये कि एक मेटल शेल है, ये मेटल शेल है
परिस्थितिक है। इस मेटल सेल में दो अलग अलग सरफेस है, ये अंदर वाली सरफेस है, ये बाहर वाली सरफेस है। अंदर वाली सरफेस का रेडियस बच्चों ए है, बाहर वाली सरफेस का ये वाला जो रेडियस है ना, ये वाला ये बी दिया है बच्चों। यहाँ पर इस मेटल शेल में चार्ज क्यू थ्री क्यू सरफेस पर होगा, एक पॉइंट चार्ज हमने इसके सेंटर पर रख दिया है। तो बच्चों इस मेटल सेल में इसकी दोनों सतह का, दोनों सरफेस का हमें सिग्मा फाइंड आउट करना है। जब हम इस सरफेस का सिग्मा लिखेंगे ना, अब सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज इसी का लेना पड़ेगा। जब इसका सिग्मा आपको लिखना है तो चार्ज इसी का लेंगे, बस इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है। कुछ बच्चों को लगता है कि चार्ज जीरो, तो सिग्मा भी जीरो, ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि जो चार्ज अंदर रखा हुआ है बच्चे, उसके कारण इसमें इंडक्शन होगा। आपको इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आता होगा, इसके कारण पहले यहाँ पर इंडक्शन होगा ना, और ये फेसिंग सरफेस है। और आपको बताया कि सामने वाली सरफेस पर अपोजिट नेचर का चार्ज आता है, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और जो सेम नेचर का चार्ज है वो बाहर वाली सरफेस पर जाएगा बच्चों। अब मेटल में आपको पता होगा कि फेसिंग सरफेस पर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। तो जब यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस क्यू होगा ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस क्यू। अब तो आसान हो गया, जब हम इस सरफेस का सिग्मा लिखेंगे ना, तो इस सरफेस पर चार्ज कितना मिला हमें, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू अपॉन में एरिया इस वाली सतह का लेंगे, और इसका रेडियस अब ए है, तो इस सतह का एरिया हो जाएगा 4πa2। बच्चों जब इसमें बाहर वाली सरफेस का जब हम सिग्मा लिखेंगे तो बाहर वाली सरफेस पर चार्ज कितना लेंगे, फोर, क्योंकि थ्री क्यू तो पहले से था, इंडक्शन के कारण की ओर आ जाएगा। तो टोटल चार्ज जो कुल चार्ज होगा ना आउटर सरफेस पर, बाहर वाली सरफेस पर, वो फोर क्यू अपॉन में आ जाएगा एरिया 4πb2। चले बच्चों अब इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डीआर जो फॉर्मूला होता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल दिया जाएगा, वो पोटेंशियल आर का फंक्शन होगा, और जब पोटेंशियल आर का फंक्शन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए उस पोटेंशियल को विद रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट कर दें। बट डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन है सिंपल है, जैसे मैं बोलूँ कि वी इज इक्वल टू टेन आर स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करें, तो बस डिफरेंशिएट तो करेंगे इसको, टेन तो कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का टू आर, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो जब पोटेंशियल, चलिए फंक्शन दिया जाए उसमें आर होगा, तो डीवी अपॉन डी आर यानी कि डिफरेंशिएशन से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। अब हो सकता है कि वो फंक्शन ना दे के वो आपको ग्राफ भी दे सकता है, पोटेंशियल और डिस्टेंस के भी इसमें यदि ग्राफ दे, तो हम जानते हैं कि यदि ग्राफ होगा तो ग्राफ में ही जो डिफरेंशिएशन है स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो जब ग्राफ दिया जाए पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी आर कर्व, स्लोप, लेकिन ये आगे माइनस साइन मत भूल जाना, क्योंकि इसमें आपको इनका वैल्यू विद साइन ऑप्शन में दिया जाएगा, तो स्लोप और उसके आगे आपको माइनस साइन लगाना है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये पोटेंशियल इस एक्सिस पर डिस्टेंस है और ये मीटर में, इन मीटर, पोटेंशियल का वैल्यू जीरो से बढ़ता बढ़ता टेन हुआ टू मीटर पर, उसके बाद कॉन्स्टेंट हुआ, उसके बाद में सेवन मीटर पे जाकर जीरो हो गया। तो बच्चों इसमें हमें आर इज इक्वल टू वन मीटर, थ्री मीटर और फाइव मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब स्लोप भी फाइंड आउट करेंगे ना, तो आर इज इक्वल टू वन मीटर यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर इसका स्लोप, अब बच्चों स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका स्लोप एक जैसा आएगा ना। तो चलो स्लोप फाइंड कर लेते हैं, स्लोप के लिए ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है ना, ये वाला एंगल यदि हम थीटा माने तो स्लोप टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ये तो कितना है यहाँ पर टेन, और ये बच्चों कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ना, तो स्लोप मिलेगा टेन अपॉन टू, और आगे माइनस भी ध्यान रखना स्लोप पॉजिटिव है, और जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू माइनस में आएगा, वो प्लस वाला भी ऑप्शन में देगा, लेकिन ध्यान रखना है कि माइनस वाला यहाँ पर मोर करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल है, स्लोप से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना। अब जैसे हम आर इज इक्वल टू थ्री मीटर की बात करें, तो थ्री मीटर यहाँ पर आएगा ना टू और फोर के बीच में, और यहाँ तो स्लोप जीरो हो जाएगा, स्लोप जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। आर इज इक्वल टू फाइव मीटर पर यदि हम बात करें, आर इज इक्वल टू फाइव मीटर यहाँ पर आएगा, यानी हमें इसका स्लोप भी फाइंड आउट करना। अब एक बात तो क्लियर है कि इसका स्लोप नेगेटिव होगा ना,
स्लोप नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू फाइव पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस, स्लोप में आगे माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पर, अब इसका जो स्लोप है वो मिल जाएगा, ये वाला एंगल थीटा मान लो, तो टेन थीटा दिस अपॉन दिस, ये वाला कितना टेन है, ये वाला थ्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा बच्चों टेन बाई थ्री। अब बच्चे इसमें हम एक वेराइटी और डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी बच्चों क्वेश्चन की। देखो पोटेंशियल का जो फंक्शन आपको देगा, यदि इसमें वेरिएबल आर है तो उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, बट यदि पोटेंशियल में वेरिएबल एक्स वाई जेड हुए, तीनों वेरिएबल यदि पोटेंशियल में हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए अब आपको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। एक्स से ज्यादा वेरिएबल जब इसमें होंगे ना पोटेंशियल के फंक्शन में, तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करें, फिर वाई के रेस्पेक्ट में करें, देन जेड के रेस्पेक्ट में करें। तब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तो वाई और जेड को कॉन्स्टेंट मानना, वाई के रेस्पेक्ट में करने पर एक्स और जेड को कॉन्स्टेंट मानेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में करने पर बच्चों एक्स और वाई को कॉन्स्टेंट मानेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से लिखा जाता है, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई के। हाँ ये बहुत बड़ी गलती होती है, जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे जो भी आएगा उसके साथ में आई कैप अटैच कर देना, ये आई कैप जे कैप के कैप लगाना भूल जाते हैं, तो आई जे और के कैप को जरूर अटैच करें। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पोटेंशियल का फंक्शन लिखा हुआ टू एक्स वाई क्यूब जेड प्लस फोर वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स। बच्चे इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, चलो डिफरेंशिएशन करते हैं, आगे माइनस लगाया, पहले हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे ना इस पूरे का। हाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करते थे, इसका वाई के रेस्पेक्ट में नहीं, पहले पूरे फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो करते हैं यहाँ पर, इसमें एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन, वाई और जेड तो कॉन्स्टेंट है तो टू वाई क्यूब जेड आ जाएगा। इसमें बच्चों एक्स नहीं आ रहा, ये तो पूरी टर्म कॉन्स्टेंट है ना, अभी इसका जीरो इसका भी जीरो, आई केप लगा दिया। इसके बाद में वाई के रेस्पेक्ट में करना, वाई क्यूब का थ्री वाई स्क्वायर हो जाएगा, थ्री इंटू टू तो सिक्स हो जाएगा, सिक्स वाई स्क्वायर जेड, इसमें वाई का वाई के रेस्पेक्ट में वन तो फोर जेड स्क्वायर, जे केप लगा दिया। इसके बाद में जब हम जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जेड का जेड के रेस्पेक्ट में वन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो टू एक्स वाई क्यूब हो जाएगा, जेड स्क्वायर का टू जेड आएगा, टू इंटू फोर एट हो जाएगा, एट वाई जेड के के। अब फर्दर इसमें क्वेश्चन में आ सकता है कि जैसे क्वेश्चन में आ सकता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वन वन जीरो, तो आपको करना क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इसमें जो ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे ना उनको पुट कर देना, एक्स का वैल्यू वन, वाई का वैल्यू वन और जेड का वैल्यू जीरो पुट कर देना, तो इस पॉइंट के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। तो बच्चों पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है, जितने भी क्वेश्चन पोटेंशियल में हमने डिस्कस किए, पॉइंट चार्ज के आगे, मेटल स्फीयर में आगे, कॉन्सेंट्रिक में आगे, अर्थिंग का क्वेश्चन बता दिया, एक डीवी अपॉन डीआर का क्वेश्चन आगे, ये सफिशिएंट है नीट के एग्जाम के लिए, नीट में क्वेश्चन यहीं से आता है। चलो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। बच्चों इसमें पोटेंशियल एनर्जी में दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो पॉइंट चार्ज के एनर्जी के लिए क्वेश्चन करेगा या सिस्टम के एनर्जी के लिए क्वेश्चन करेगा। तो जब बच्चों किसी भी पॉइंट पर, जैसे एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, बोलेगा कि इस पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करें, तो फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज की एनर्जी का फॉर्मूला, वो चार्ज जिसकी एनर्जी फाइंड आउट करना वो चार्ज इंटू में वहां का पोटेंशियल, सिंपल है। तो ये एक पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, चार्ज का वैल्यू रख देना जिसकी एनर्जी फाइंड आउट करना और जिस पॉइंट पर वो रखा हुआ उस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करके रख देना। इसके बाद बच्चों इसमें आ रहा Q1 Q2 का जो पेयर बन रहा है ना, तो इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी और टू पॉइंट चार्ज पेयर की पोटेंशियल एनर्जी बच्चों के Q1 Q2 पोन आर से फाइंड की जाती है, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए ध्यान रखना, तो इसका वैल्यू आपको विद साइन ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे दोनों चार्ज यदि लाइक है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, दोनों अनलाइक होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। अब यदि आपको सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना हो तो आपको क्या करना है कि सिस्टम में जितने भी पेयर बनेंगे ना उन्हें पेयर की एनर्जी का सम कर देना, तो सिस्टम का टोटल एनर्जी मिल जाएगा। अब किसी भी सिस्टम में कितने पेयर बनेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू, n इसमें नंबर ऑफ चार्ज होते हैं। जैसे थ्री पॉइंट चार्ज का सिस्टम है
तो इनका वैल्यू थ्री कर दूंगा, थ्री इंटू यहाँ पर थ्री माइनस टू वन, तो टू 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 कर जाएगा, तो 3.4 का सिस्टम है। कितने पैर आपको बनाना है? थ्री पैर बनाना। तो बस दो बातों का ध्यान रखना है क्वेश्चन में, पहले चेक करो कि एनर्जी किसके लिए फाइंड आउट करना है। सिस्टम के लिए क्वेश्चन है, तो जितने भी पैर होंगे सिस्टम में उनके एनर्जी का सम कर देना। और यदि एक ही चार्ज की एनर्जी फाइंड आउट करना सिस्टम में, केवल एक पॉइंट चार्ज की एनर्जी, तो फॉर्मूला उसके लिए अप्लाई करना, वो चार्ज इंटू में आएगा वहां का पोटेंशियल। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी में एक दो क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में बच्चों देखे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने लिया है, इसका साइड यहाँ पर ए है, इस कॉर्नर पर चार्ज यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, और एक चार्ज यहाँ पर मैंने रख दिया है क्यू। तो बच्चों इसमें दो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माइनस क्यू, ये जो चार्ज है इसके पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन में हमें पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। चलो तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि इस नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉइंट ए मान लेता हूं मैं, और हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, वो चार्ज जिसके एनर्जी फाइंड आउट करना, वो चार्ज जिसके एनर्जी फाइंड आउट करना, तो ये वाला चार्ज इनटू में बच्चों यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा। अब पोटेंशियल नहीं दिया तो पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ना, अब यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना, इसके कारण होगा, इसके कारण होगा, इसका तो लेना ही नहीं, क्योंकि तो इसकी तो एनर्जी में फाइंड आउट करना, तो इसके कारण बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा के क्यू अपॉन ए, इसके कारण बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू होगा के क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बच्चों आ जाएगा टू हो जाएगा ना, तो माइनस टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तो ये तो पॉइंट चार्ज की एनर्जी होगी, माइनस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी बच्चों। इसके बाद इसमें सेकेंड पार्ट का सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी पेयर बनेंगे ना उनके एनर्जी का सम करेंगे। 3.4 का सिस्टम है, तो बच्चों इसमें आपको थ्री पेयर बनाना है ना, चलो बनाते पेयरिंग, एक इन दोनों का पेयर बन रहा है, तो इस पेयर के एनर्जी फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, तो क्यू इन टू माइनस क्यू, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन, डिस्टेंस कितना है, ये जो पेयर बन रहा है इसकी एनर्जी हो जाएगी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये जो पेयर बन रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये दोनों यहाँ पर कट जाएंगे, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बच्चों आ जाएगी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तो बस ये इतना ही सफिशियंट है पोटेंशियल एनर्जी में। सिस्टम के लिए पेयर बनाकर एनर्जी का सम कर देना, एक ही पॉइंट चार्ज की एनर्जी का क्वेश्चन हो तो फॉर्मूला अप्लाई करना, वो चार्ज इंटू में उस पॉइंट का पोटेंशियल। चलो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जो कि पहले एग्जाम में आ चुका है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों साइड यहां पर ए और ए है, यहां पर स्मॉल क्यू चार्ज, यहां पर स्मॉल क्यू चार्ज, अब बच्चे इस कोने पर रखा हुआ कैपिटल क्यू। तो क्वेश्चन यह है कि यू सिस्टम जीरो हो तो हमें स्मॉल क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिस्टम की टोटल एनर्जी को जीरो के इक्वल करके और स्मॉल क्यू को तो फाइंड आउट करना। चलो करते हैं, चलो पेयर बनाते हैं पहले। इसमें देखो एक तो इन दोनों का पेयर बनेगा ना, इन दोनों का जो पेयर बनेगा उसके एनर्जी को मैं लिखूंगा के क्यू क्यू अपॉन में ए हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना। ये जो पेयर बन रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिखूंगा के क्यू स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्यू इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में ए। थर्ड ये वाला बन रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिखूंगा
अपॉन में डिस्टेंस है वाला आइटम, ये जो पैर बन रहा है इसमें, और ये डिस्टेंस बच्चों कितना रूट टू है, ये इक्वल टू जीरो। बस आगे सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा ना, ए ए कॉमन आके जीरो हो जाएगा, के कॉमन आके जीरो, इसमें स्मॉल क्यू, एक स्मॉल क्यू कॉमन आके कट ही जाएगा, उसके बाद में स्मॉल क्यू का वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हो। चले बच्चों, इसके बाद हम डाइपोल को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सिंपल पार्ट इस टॉपिक में। डाइपोल में हम जानते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है एल, इसको हम डाइपोल की लेंथ कहते हैं। तो डाइपोल में एक पैरामीटर होता है डाइपोल मोमेंट, और किसी भी डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है चार्ज, किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू में डाइपोल का लेंथ आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें देखे एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, क्वेश्चन ले रहे हैं हम डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड, यहाँ पर क्यू और क्यू, यहाँ पर माइनस टू क्यू है, तो हमें इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इससे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि डाइपोल बनाने, क्योंकि एक से ज्यादा डाइपोल बनेंगे ऐसे क्वेश्चन में, तो डाइपोल बनाए, उन डाइपोल्स के जो डाइपोल मोमेंट है उनकी डायरेक्शन को आप लें, इसके बाद उन सभी का रिजल्टेंट फाइंड आउट करें। अब देखे ये क्यू है, ये माइनस क्यू के साथ डायपोल बनाएगा, तो माइनस क्यू यहां से मिलेगा ना, ये जो माइनस टू क्यू है इसको माइनस क्यू में ब्रेक कर देंगे, तो पहला वाला माइनस क्यू इसके साथ में डायपोल बनाएगा, दूसरा माइनस क्यू इसके साथ डायपोल बनाएगा, दो डायपोल बनेंगे। फर्स्ट डायपोल जो बन रहा है माइनस क्यू प्लस क्यू, उसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, सेकेंड माइनस क्यू प्लस क्यू सेकेंड वाला डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इन दोनों डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि दोनों डायपोल में लेंथ सेम है क्योंकि इक्विलेटरल एंगल है, चार्ज भी सेम है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, पी और पी का रिजल्टेंट मिल जाएगा ना, ये एंगल 60 डिग्री है, तो दोनों का रिजल्टेंट रूट थ्री पी, पी एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है क्योंकि क्यू इंटू एल के इक्वल होगा। चले बच्चों इसके बाद अब हम डाइपोल में पोटेंशियल और रिलेटिव फील्ड की बात कर लेते, केवल आपको फॉर्मूले ही लर्न करना है। देखो किसी भी डायपोल को हम उसके डायपोल मोमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। तो बच्चों एक तो इसमें एक्सिस के लिए क्वेश्चन बनता है कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक इक्वेटर के लिए एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टू के अपॉन आर क्यूब, आर इसमें डायपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस होता, इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता के अपॉन आर क्यूब। मैं डायरेक्शन भी बता देता हूँ, देखो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो डायपोल मोमेंट के पैरेलल होता है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इक्वेटर पर जो डायपोल मोमेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डायपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट पैरेलल होते हैं, इक्वेटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा एल के पैरेलल टू डायपोल मोमेंट। एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट ये, इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट चार्ज क्यू है, हमें इसी पॉइंट पे चार्ज पर इस डायपोल के कारण लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करना। बच्चों कूलम्स लॉ तो अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ तो डायपोल है और पॉइंट चार्ज देना, तो जब पॉइंट पे चार्ज पर फोर्स फाइंड आउट करना है डायपोल के कारण, तो फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, फोर्स ऑन दिस क्यू ड्यू टू डायपोल, वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना फॉर्मूला, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इज इक्वल टू क्यू। अब इस पर फोर्स के लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेंगे वो डायपोल का, अब इस डायपोल के कारण ये जो पॉइंट आ रहा है ये एक्सिस पर है, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने रख दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब बच्चे इसमें एक बात तो क्लियर हो चुका है, ये जो फोर्स है ना वो डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि डायपोल और पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर बच्चों, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बट बिटवीन अ डायपोल एंड पॉइंट चार्ज फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और दो डायपोल भी दिए जाए तो दोनों डायपोल के बीच में जो फोर्स होगा बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर फोर होगा। तो आपको एनसीटी लर्न करना है, इंपॉर्टेंट भी आ सकता है क्वेश्चन। पोटेंशियल के लिए बात करें तो डायपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला केपी अपॉन आर स्क्वायर, डायपोल का जो इक्वेटर होता है वो पोटेंशियल जीरो होता है बच्चों, ऑलवेज जीरो, जैसे जैसे संभालो ना, ये डायपोल का इक्वेटर पर पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर इसके कारण प्लस के कारण दोनों का नेट पोटेंशियल जीरो आ जाएगा, तो इक्वेटर पर पोटेंशियल जीरो, एक्सिस पर पोटेंशियल होगा केपी अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों देखो पॉइंट पे चार्ज हो
या डाइपोल हो, इन सब के जो फील्ड और पोटेंशियल होते हैं वो डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन मैंने यहाँ पर लिख दिए। पॉइंट चार्ज से मैंने स्टार्ट किया, इसके बाद में डाइपोल, इसके बाद में टेट्रापोल। टेट्रापोल का मतलब होता है जिसमें दो डाइपोल्स होते हैं, दो डाइपोल जिस सिस्टम में होते हैं उसको टेट्रापोल कहते हैं। ऑक्टापोल का मतलब होता है जिसमें फोर डाइपोल्स होते हैं। तो याद रखने का तरीका है, आप पॉइंट चार्ज से स्टार्ट करें, पॉइंट चार्ज का याद आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। अब आपको क्या करना है, एक एक पावर बढ़ाना है। एक पावर बढ़ा दिया तो डाइपोल के लिए रिलेशन बन गया, एक और पावर बढ़ा दो इसमें तो टेट्रापोल के लिए बन जाएगा, एक और पावर बढ़ा दो तो ऑक्टापोल के लिए बन जाएगा। ये याद रखने का तरीका है, पॉइंट चार्ज का याद आ जाता है। हर बच्चों को याद होता है कि पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक पावर इसमें प्लस करना आर क्यूब, डाइपोल बने, डाइपोल के लिए बनेगा, एक और पावर बढ़ाना फोर पावर हो गया। तो ये टेट्रापोल के लिए एक और पावर बढ़ा देना फाइव पावर, ऑक्टापोल। ऐसे कैसे पोटेंशियल के लिए भी बात होती है, पॉइंट चार्ज में पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, एक पावर बढ़ा देना इसमें, ये डाइपोल के लिए होगा, एक और पावर बढ़ा दे टेट्रापोल, एक और पावर बढ़ा दे बच्चों ये ऑक्टापोल के लिए हो जाएगा। चले बच्चों इसके बाद टॉर्क ऑन डाइपोल की बात करते हैं। जब हम किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइपोल पर एक टॉर्क अप्लाई करता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। एक डाइपोल को हमने थीटा एंगल पर रख दिया, तो इस पोजीशन पर जो टॉर्क लगेगा ना, उस टॉर्क का वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, पी साइन थीटा। तो इसमें डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉर्क अप्लाई करेगा थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है। डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर रह जाएगा, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। अब एक बात तो क्लियर है कि थीटा इज इक्वल टू 90 पर टॉर्क मैक्सिमम, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 हो, तो मैक्सिमम टॉर्क बच्चों कितना मिलेगा, पीई। अब एक बात तो क्लियर है कि जो टॉर्क है ना, ये जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, वो थीटा पर निर्भर करेगा। थीटा जीरो टॉर्क जीरो, थीटा 180 टॉर्क अगेन जीरो। लेकिन यदि थीटा जीरो और 180 के बीच में बात, तो टॉर्क नॉन जीरो। तो जब भी हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, तो डाइपोल पे जो टॉर्क एक तो होता है, जो टॉर्क लगेगा वो जीरो और नॉन जीरो हो सकता है बच्चों, वो थीटा पर डिपेंड करेगा। अब यदि हम फोर्स की बात करें, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो डाइपोल पर जो नेट फोर्स होगा वो ऑलवेज जीरो होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा कि जैसे यहाँ पर ये डाइपोल है ना, तो ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज मान लो, इधर ये पॉजिटिव मान लो। अब इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो। तो जब भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मिले, तो नेट फोर्स उस पर ऑलवेज जीरो होगा। बट यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो डाइपोल पर जो फोर्स लगेगा वो जीरो और नॉन जीरो हो सकता है। बस इसको याद कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन में थ्योरेटिकल फॉर्म में आएगा, तो यूनिफॉर्म है फील्ड, तो नेट फोर्स डाइपोल पर ऑलवेज जीरो। बट यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डाइपोल पर जो फोर्स होगा वो मे बी जीरो नॉन जीरो। टॉर्क के लिए मैं बात कर चुका हूँ, टॉर्क जीरो है नॉन जीरो हो सकता है, वो थीटा पर डिपेंड करेगा। अगला पॉइंट इसमें आ रहा है डाइपोल में, एक डाइपोल है पी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों रोटेट करने जा रहे हैं थीटा वन से थीटा टू तक। तो जब इस डाइपोल को रोटेट करेंगे ना, तो रोटेट करने के लिए बच्चों इसमें वर्क होता है, और उस वर्क डन को इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जाता है। पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। थीटा वन इनिशियल पोजिशन है, थीटा टू फाइनल पोजिशन है। तो डायरेक्ट फॉर्मुलेशन आंसर आ जाएगा, अगर थीटा वन और थीटा टू का वैल्यू रख देना, पी देगा ई देगा, आंसर यहां से आ जाएगा। एक पॉइंट और आ रहा है लास्ट पॉइंट डाइपोल में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डाइपोल को थीटा एंगल पर रख दिया, तो इस पोजीशन पर डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जाता है। माइनस पी को थीटा, थीटा आपको देगा, जैसे थीटा इज इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी, और ये मिनिमम भी होगी। थीटा इज इक्वल टू 180 पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी, और ये मैक्सिमम होगी। तो बच्चों डाइपोल में केवल आपको फॉर्मूले लर्न करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। टॉर्क के लिए क्वेश्चन है यहां से आंसर आएगा, वर्क डन फाइंड आउट करना डाइपोल के लिए, तो यहां से आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का फाइंड आउट करना बच्चों, यहां से आंसर आ जाएगा।